बोर्ड इज क्लियर। ठीक यस मैम, बोर्ड इज क्लियर। टुडे डेट इज 19। Our destination is 7 August. Write this date, student. So first question. In each of the following question, a set of figure have been given showing a sequence in which paper is folded. Paper folding question. Heading. Problem figure. Question number first. Let me take a square paper and just fold it. Question option two, sequence two. Sequence three. This is X, this is Y, this is Z. Answer figure is student. Option A, option two, student. This is option two. This is option three. Option four, student. Which option is correct? देखिए, हमने एक स्क्वायर पेपर लिया है, जस्ट उसको हमने कॉर्नर से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद एक और कॉर्नर ये था, उसको भी हमने इस पे फोल्ड कर दिया और वो कुछ हमको इस टाइप का नजर आया। ओके, अगर मैं सारे फोल्ड्स को ओपन करती हूँ टर्न बाई टर्न, तो वो अनफोल्डेड पेपर कैसा होगा, किस पैटर्न पे होगा? ऑप्शन ए इज इट करेक्ट, बी इज इट करेक्ट, सी इज इट करेक्ट, और डी? मैम ऑप्शन नंबर बी। मैम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। मैम सी। यस सी, ये सारे जो क्वेश्चन है मैम, क्योंकि वो टू है, टू टू फोर होता है और ऐसे ही उन्होंने दो कट लगाए हैं तो एट आपको यहाँ पे लेके जाना है, तो आपका एक साइड में यहाँ फिर आ जाएगा। मतलब कुछ पैटर्न जो है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये पैटर्न आपको नजर आएगा। ये वाला पैटर्न खोलेंगे तो ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर जब आप पूरा ओपन करेंगे तो एक लाइन आपको यहाँ नजर आएगी और एक लाइन जो ट्राइंगल की है वो आपको स्ट्रेट में जाएगी। मीन्स ऑप्शन सी इज अ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रॉब्लम फिगर, अगेन लेट मी टेक अ स्क्वायर पेपर. And then fold. Next. फिर से आप इसको फोल्ड करेंगे. देन थर्ड, इस पोर्शन पे मैंने दो सर्कल बनाए, दो सर्कल को पिंच किया. ये प्रॉब्लम फिगर है. दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई और दिस इज द जेड. अब स्टूडेंट मैं आंसर फिगर बनाने जा रही. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी स्टूडेंट. इन दिस टाइम नो गैसिंग, आप परफेक्ट तरीके से उसको सोचिए कि क्या होगा. देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये वाला जो जीरो आया है आपको यहां नजर आएगा. जब पूरा इसको ये वाले पोर्शन को आपने देखे, पहले फर्स्ट पोर्शन को यहाँ से यहाँ लेके आए थे, यहाँ से लेने के बाद आपने इसको इस तरह से किया, मतलब एक वन फोर्थ हिस्सा आपको बचा. तो वन फोर्थ पार्ट में आपके टू सर्कल्स आर पिंच, है ना. जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये वाले सर्कल आपको ऐसे दिखाई देंगे और एक जो लास्ट वाला सर्कल है वो यहीं पर रहेगा. ये इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसकी पोजीशन पे. तो ये पोजीशन पे रहेगा. तो ये इस टाइप का जो फिगर है वो ऑप्शन ए में मुझे नजर आ रहा है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट. आर यू एग्री विथ मी? यस यस मैम. है ना, आपको क्या करना है, एक लेट मी टेक द स्क्वायर पेपर, उसके बाद उसको स्टार्ट करना, फोल्डिंग करना. तो फर्स्ट फोल्ड लिया, सेकेंड फोल्ड में हमने यहाँ से राइट लेफ्ट टू राइट लिया और राइट टू लेफ्ट लेने, लेफ्ट टू राइट लेने पर हमको एक स्क्वायर नजर आएगा. जब मींस फोर्थ फोल्डिंग, वन फोर्थ पार्ट, इस पे दो सर्कल मैंने पिंच किए और जैसे ही इसको अनफोल्ड करूंगी तो मेरा आंसर फिगर में आंसर वन इज द मैच टूगेदर विद द फोर्थ फिगर. क्योंकि इसको मैंने ओपन किया तो ये जो जीरो है ये फोर फोल्डिंग है, फोर फोल्डिंग है, मींस ये चार जीरो के रूप में आएगा, वन जीरो, और लास्ट वाला जीरो नॉट चेंज द पोजीशन, ये यहीं पर मेंशन करेगा. ओके मैम, अभी मैंने राइट किया, ओके मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, मैंने अभी प्लीज नॉट
मैम यू कैन रब दिस. आपने कॉर्नर लिया, इस कॉर्नर को फोल्ड करना है स्टूडेंट. एक स्क्वायर पेपर है, लेट वी टेक अ वन स्क्वायर पेपर और उसके कॉर्नर को मैंने फोल्ड किया है. दिस इज माय एक्स ऑप्शन. इसका सेकेंड सीरीज स्टूडेंट, दिस इज बाय. अब लास्ट आप देखेंगे ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा. और मैंने इस थर्ड जेट पर इस टाइप की फोल्डिंग पर, मतलब ये जो पेपर है ना स्टूडेंट, ये ओरिजिनल मुझे दिखेगा इस टाइप का, इसलिए मैंने इसको डार्क पे बनाया हुआ है. इस फोल्डिंग पे मैंने दो डिजाइन को पेस्ट किया हुआ है, वो है हेक्सागोन. अब आपको बताना है कि इसकी जो, जब मैं इस पेपर को अनफोल्ड करूंगी या हम सब अनफोल्ड करेंगे, तो विच डिजाइन कम आउट, वो कौन सी डिजाइन बाहर आएगी, देखिए प्लीज. This is option one. This is option two. ऑप्शन थ्री. ऑप्शन फोर. Yes, student. मैम ऑप्शन टू. ऑप्शन मैम ऑप्शन टू. ऑप्शन टू इज करेक्ट. ऑप्शन टू. यस मैम ऑप्शन टू होगा क्योंकि वहां पर टू कट लगाए हैं, इसीलिए उसको खोलेंगे तो टू में थ्री बढ़ जाएगा तो फोर हो जाएगा. आप देखिए स्टूडेंट, वी डोंट डू द गेसिंग. हम अभी इस कंडीशन में गेसिंग नहीं कर सकते बच्चों, है ना. आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, लेकिन गेस करके मत बताइएगा. देखिए स्टूडेंट, जब मैं इसको फोल्ड अनफोल्ड करूंगी तो ये यहाँ जाएगा, ये वाला पेपर यहाँ है. जैसे यहाँ पे किया तो इसको मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया. जब ये खुलेगा तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसी डिजाइन दिखाई देगी, है ना. और ये वाला हिस्सा जब यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पर भी आपको एक डिजाइन नजर आएगी. मीन्स ये जब अनफोल्ड होगा तो आपको इस तरह से डिजाइन आएगी, सीन होगी. तो ऑप्शन टू इज अ करेक्ट. यस मैम.
बिल्कुल, इसको डायरेक्ट आप अपने कॉपी पे बनाते जाइए स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन को. यू हैव यूज अनदर कलर ऑफ पेन. इट मस्ट फॉर यू स्टूडेंट, क्योंकि अब तो हमें क्रैक करना ही है एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम प्लीज. थर्ड वन क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट. लेट मी टेक अ स्क्वायर पेपर. This is why. And I pinch here to design. This is Jet. Answer to the student. This is B option. This is C option. And this is D option. Mind में open करना शुरू कर दीजिए student. Ma'am, first number. First option correct होगा. Ma'am. ए ऑप्शन करेक्ट होगा. यस मैम ए ऑप्शन. यस मैम ए ऑप्शन. यस मैम ए ऑप्शन इज करेक्ट. मैम यस मैम ए ऑप्शन रॉन्ग है. नो मैम डी 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 मैम डी ऑप्शन. हु सेड डी मैम? डी हु सेड डी मैम? लक्ष्मी दीदी. Lakshmi, Lakshmi, you are correct. मैम मैंने वो क्वेश्चन पेपर पे ड्रॉप ही किया. बिल्कुल ड्रॉप कर लिया ना. This option is unfolded here. Then see, फिर ये ऊपर गया. See? Yes, ma'am. And then इसको यहाँ लेके आइए. लक्ष्मी यू डू इट. कर सकते हो बेटा आप. यू कैन डू इट.
और आप सभी जो जुड़े हुए इस कंपटीशन के एग्जाम में, ऑल आर गुड। बस थिंकिंग करना शुरू करिए, जैसे हम फोल्ड कर रहे हैं उसको वन बाय वन अनफोल्ड करना है बस आपको। आपने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यहाँ पे पिंच की डिजाइन आपको अनफोल्ड कर दीजिए, यहाँ पे तो दो यहाँ हो गए, यहाँ से आप ऊपर लेके गए यहाँ दो हो गए, यहाँ से आप लेफ्ट टर्न ले लिया यहाँ दो हो गए। आपका ये डिजाइन किससे मैच करता है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैंने फोर बोला था शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सारे बच्चे तैयार हो जाइए। We don't take a square paper. Student, let be seen board. ये first folding हुई hexagonal shape का मैंने paper लिया हुआ है और उसको right से left मोड़ा है, turn किया है। पे कंसंट्रेट करेंगे स्टूडेंट। देखिए मैंने फर्स्ट हेक्सागोनल शेप का पेपर लिया, उसको हाफ टर्न कर दिया, उसके बाद ये जो कॉर्नर है ना स्टूडेंट, उसको भी मैंने फोल्ड किया। जब मैंने कॉर्नर को फोल्ड किया ना स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये स्क्वायर पेपर बचा हुआ है। ये देखिए मैंने कलर कर दिया उस पे। अब देखेंगे थर्ड फोल्डिंग स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया कि जब मैंने इसको सेकंड फोल्डिंग की तो मेरे पास में क्या बचा बच्चों, एक स्क्वायर पेपर बचा। देखिए मैंने इसको रेड कलर से बना रही हूँ। आई होप सो कि सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। और इसमें मैंने टू डिजाइन को पिंच की, फर्स्ट डिजाइन सेकंड डिजाइन। आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री स्टूडेंट। ये सारे रेक्टेंगल है, डाउन में डिजाइन बनाने की वजह से थोड़ा सा मिस पोजिशन हो रहे हैं, सो यू डू द यू प्लीज इग्नोर। This is the third design. And last option. Option four.
मैम ऑप्शन वन. हु सेड? मैम लक्ष्मी. यस लक्ष्मी, वेरी करेक्ट. जस्ट ओपन किया, यहाँ पे आया, इसको ओपन किया, यहाँ चला गया. ये फिगर मैच करता है आपके ऑप्शन वन से. बट वो साइड फोल्डिंग वाला जी. मैम वो साइड फोल्डिंग वाला. यस, ये देखिए, ये फर्स्ट हमने हेक्सागोनल शेप का पेपर लिया, उसको हमने पहले हाफ कर दिया, तो ये कुछ पॉलीगॉन शेप का हो गया. पॉलीगॉन शेप को चेंज करते हुए मैंने इसके कॉर्नर को फोल्ड किया दोनों साइड के, तो मुझे रेक्टेंगल मिला. देन आफ्टर वी हैव टू डू टू डिजाइन पिंच. ये देखिए, टू डिजाइन पिंच किया. अब मैं बोल रही हूँ इस पेपर को अनफोल्डेड करेंगे वन बाई वन, तो हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए, ये ओपन होगा तो यहाँ डिजाइन आएगी, ये ओपन होगा यहाँ डिजाइन आएगी. दिस डिजाइन इज मैच टूगेदर दिस वन. ऑप्शन वन इज करेक्ट. यस यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस मैम. First, I read the question, student. In this figure, in this given question, there is a problem figure. Observe the answer figure 1, 2, 3, 4 and find out the answer figure which can be formed from the cut piece of the problem figure. कहाँ से कटा होगा ये और कट करने के बाद कैसा बनेगा? बिल्कुल नए नए questions हैं. Again, you read the फोकस ऑन द क्वेश्चन बेटा. देखो फिर से सुनिए आप. इन द गिवन फिगर देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर. एक प्रॉब्लम फिगर होगी और चार जो है आंसर फिगर होंगे. अब आपको ये बताना है, फाइंड आउट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट पीसेस ऑफ प्रॉब्लम फिगर. प्रॉब्लम फिगर से आपको मेंशन करना है कि वो कौन सा फिगर बनाएगा. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं बनाने जा रही हूं, बहुत जल्दी से आपसे बनेगा भी. This is our problem figure. Answer figure is student. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. मैम ऑप्शन डी. मैम ऑप्शन डी. स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन. एक बात और बता रही हूँ, ये टाइमिंग रनिंग आउट का नोटिस देना शुरू कर दिया है,
आपकी एक घंटे की क्लास है और आप कम बैक करेंगे ओके डबल क्लिकिंग करके। हाँ आपका ये प्रॉब्लम फिगर है स्टूडेंट, प्रॉब्लम फिगर में लाइन को काउंट कर लीजिए है ना, और अगर सोचिए कि इस टाइप के फिगर से इस पीसेस से आप कौन सा फिगर सुटेबल तरीके से बना सकते हैं। ए ऑप्शन फिगर राइट होगा क्या, बी होगा, सी ऑप्शन बना सकते हैं कि डी ऑप्शन बना सकते हैं। हाँ लाइन काउंट करिए तो कितनी लाइंस है आपके पास में, सेवन लाइंस है ना, सेवन लाइंस है। इन सेवन लाइन से आप ये बना सकते हैं क्या, तो आप बहुत सारी लाइन जो आपके हॉरिजेंटल लाइन है वो बच जाएंगी। बी ऑप्शन भी नहीं, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, नियरेस्ट करेक्ट आंसर है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। मैम बट उसमें 6 है। मैम पर उसमें तो 7 है तो इसमें 6 है। हाँ लेकिन नियरेस्ट कौन सा होगा पीसेस से अगर बनाएंगे तो, आपका किसी बच्चे ने कहा डी, डी इज नो नियरेस्ट, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस मैम है ना, यस मैम, यस मैम, यस। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाती हूँ। मैम प्लीज डोंट रब द आंसर फिगर। This is our problem figure. Option, answer figure के लिए option दे रही हूँ student. मैम ऑप्शन फर्स्ट, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, यस मैम, मैं ऑप्शन, यस मैम, ऑप्शन ए। हाँ इसको इस कंप्लीट करेंगे ना स्टूडेंट तो क्या होगा बच्चों हमारा ए। मैम आपका कैमरा बंद हो गया, कैमरा ऑफ हो गया। मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया। यस मैम ऑफ हो गया। इसको मैंने कंप्लीट किया स्टूडेंट, तो ये आपका फिगर जो है हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच करता है, मींस आपका ए ऑप्शन ये करेक्ट है फॉर दिस प्रॉब्लम फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट,
प्रॉब्लम फिगर। Option B student. Option D student. I think आप लोगों ने start कर दिया होगा guessing करना। मैम ऑप्शन नंबर ए। वेरी करेक्ट। यस मैम, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल भी उसके सेम नहीं लग रहे, यही वजह से। ये देखिए मैम, मैं पूरा मैच कर रही हूँ स्टूडेंट, इसको पूरा मैच करेंगे तो ये ऐसा ही बनेगा।